तो भाई लोग अपना वड़ा पाव खा के हो गया है अभी, तो अपन अभी चलते हैं वापस हमारे स्टेट से वापस मुंबई के लिए निकलते हैं अभी। चलो वाह, आज जबरदस्त है, बहुत बहुत मस्त है, लेकिन मतलब व्यू इतना जबरदस्त है, बाइक चलाने में बहुत मज़ा आता है। मोस्टली डेस्टिनेशन से ज़्यादा रास्ते ही पसंद आते हैं मुझे, जैसे डेस्टिनेशन भी बहुत अच्छा है, नो डाउट अबाउट दैट। मार्शल घाट है, बहुत ही सही लोकेशन है, लेकिन मतलब हाँ, यहाँ पे बाइक चलाने का अलग ही मज़ा है। ये देखिए पहाड़ एक नंबर, पूरा माउंट। कमेंट करके बताइए दोस्तों की मतलब आपको मेरे साइलेंट व्लॉग्स पसंद है या मैं बात करता हूँ ये पसंद है, क्योंकि यार बात करने में बहुत बोर होता है, बहुत तरस आता है मेरे को। चुपचाप गाड़ी चलाओ, लगता देखते आप लोग बताओ आपको जैसा अच्छा लगता है, अगर फिर भी करते रहूं या बस गाड़ी चलाते रहूं। वैसे मैं गाड़ी थोड़ा स्लो ही चलाता हूँ, क्योंकि सेफली, बहुत सेफली राइड करता हूँ, ताकि मतलब ध्यान ना भटके मेरा, और कोई अनटूवर्ड या इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट ना हो, इसलिए मैं लूप के पीछे 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 रह जाता हूँ, सबसे पीछे रह जाता हूँ मैं। लेकिन फिर भी ठीक है, आराम आराम से चल लेता, आराम आराम से इंजॉय करते हुए व्यू को देखते हुए सब का मज़ा उसी में है, मुझे वैसे ही लगता है। बाकी लोग भगाते हुए निकल जाते हैं, और वैसे ही दोस्तों आपको भी सेफली राइड करना चाहिए, मतलब स्पीड को थोड़ा कंट्रोल में ही रख के। जैसे मार्शल घाट वैसा ही है, ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत है, तो घाट अफकोर्स घाट है, तो स्पीड का थोड़ा ध्यान रखिए, ज़्यादा एकदम भगाने की कोशिश मत कीजिए, आराम आराम से चलिए, आराम आराम से व्यू इंजॉय करिए। सुबह के टाइम पे बहुत ही सस्ती व्यू होता है, मज़ा आ जाएगा आपको, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। मैं तो आराम आराम से चलते हुए, चाहे कभी निकल जाए, मैं अपना अकेला आराम से ज्यादा टेंशन नहीं लेता मैं, कौन आगे निकल गया कौन पीछे रह गया, अपन अपनी स्पीड से चलो, अपना इंजॉय किए, अपने व्यू देखो। ये एक्सपीरियंस भी तो मैटर करता है ना, हम लोग एक्सपीरियंस के लिए ही तो जाते हैं कि हम लोग वो चीज़ एक्सपीरियंस करें कि हाँ भाई चीज़ कैसी है, मतलब वो जगह कैसी है, उस जगह का रास्ता कैसा है, रोड कैसे है। तो इसीलिए मैं आराम आराम से ही चलता हूँ, भले ही मैं पीछे रह जाऊँ, मेरे हिसाब से तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल एकदम ठंडा ठंडा रहा है, इतनी गर्मी है कि एकदम बिल्कुल आराम आराम, हवा चल रही है मस्त। वैसे घाट पे गाड़ी चलाने का मजा अलग है, और माशिज घाट अपना मॉनसून में भी बहुत सही हो जाता है, मतलब ये रास्ते पर ऑलमोस्ट वाटरफॉल चालू हो जाते हैं, तब तो और मज़ा आता है, और फॉग भी होता है, इसमें तो बाइक राइड का अलग ही मज़ा है।
ये जो व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ ये तो अभी तो समर सीजन चल रहा है मई का, तो इसलिए कोई वाटरफॉल वगैरह रास्ते में आपको दिखेगा नहीं, सब गायब हो चुका है। लेकिन फिर भी मतलब रोड के मामले में, एक्सपीरियंस के मामले में, मतलब एक साइड आपको क्लिफ दिखेगा, एक साइड माउंटेन्स, माउंटेन्स नहीं हिल्स, हिल्स माउंटेन्स दोनों, जो भी आप उसे कहना चाहिए, कहना चाहे वो आपको दिखेंगे। चल रहे, कभी कभी सोचता हूँ मतलब कि क्या बात करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आता क्या बात करूँ। मेरी वीडियो यूजली लंबे होते हैं, इतनी जल्दी वीडियो होते हैं, मैं मोस्टली रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं वही सोचता हूँ यार कि इतना लंबा लंबा क्या बात करूँ, और ऊपर से मेरे को बात करने को बहुत तरास आता है। लेकिन ठीक है, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, कि बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप कमेंट करके बताना मेरे को, तो फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बात, अगर आप लोग बोलेंगे बात करना है ठीक है बात करते रहिए, नहीं तो आराम से अपना मैं मस्त रास्ता इंजॉय करी जैसे मैं करता हूँ, आपको भी मज़ा आएगा। इतना ट्रैफिक नहीं है सुबह सुबह, क्योंकि अपन सुबह सुबह ही आए थे, लोग गए थे आशीष का बड़ा पाव खाया, मेरे दोस्त ने बोला कि बहुत फेमस है, सीरियसली बहुत अच्छा था, गर्म गर्म बड़ा पाव बिल्कुल एकदम वाली चटनी के साथ, मज़ा आया। और ये मज़ा मैं हर भारतीय अंदर लेना चाहता हूँ। मस्त नींद था यार, मस्त नींद था राहुल गांधी का। तो घाट यार ऑलमोस्ट खत्म हो गया आ गया, घाट ऑल घाट खत्म हो चुका है, थोड़ा सा ही बचा है, एक तो बाजू में ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है, बस एक रास्ता है अभी, एक मतलब थोड़े बहुत डिस्टेंस है, जो ऊपर जो टॉप से अपन निकले थे वीडियो के स्टार्ट में ऐसा वाला फीलिंग, क्या मस्त लग रहे हैं यार। यहाँ पे गाड़ी चलाने का मजा ही अलग है। आप लोगों को कैसा लगता है बाइक राइडिंग, मतलब आप लोगों को रहता है बाइक तो कैसा लगता है आपको, मतलब गाड़ी चलाने में मज़ा आता है या बोरिंग लगता है या कैसे। मेरे को बहुत मज़ा आता है बाइक, जो भी घाट पे या फिर ऐसे माउंटेनस रखते थे बहुत ही मज़ा आता है। आराम से आराम से आराम से, हाँ वैसे तो मैं आराम से ही चलाता हूँ, भगा तो थोड़ी टिकट में टाइप को ना कोई भी इंसिडेंट होने देने का ना, आराम आराम से चलने का, सबको बचाते हुए अपन भी बचते हुए राइडिंग गियर के साथ, ताकि सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हुए, तो आप लोग भी जब भी बाइक चलाए तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखिए देखो, क्योंकि भाई लोग क्या है रस्ते पे कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं,
के लिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, तो हमेशा जैकेट, ग्लव्स, शूज, नी पैड्स, शोल्डर पैड, सारा कुछ, आर्मर वगैरह सारा कुछ पहन के ही चलिए, क्योंकि कोई भी इंसिडेंट होने से पहले ही प्रिकॉशन लेना बेस्ट है। जब तो घायक और लोग खत्म हो गए, खत्म ही हो गया है। अब तो बस अपना स्ट्रेट रहता है। अपन या रिटर्न जा रहे हैं अभी, हाँ ऐसे से गोरेगांव जाना है। बाकी लोग सब अलग अलग, कोई थाने, कोई कल्याण, कोई अलग अलग जगह से, तो गोरेगांव से ही गोरेगांव जाऊँगा। बहुत दूर है और ऊपर से भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप समर में राइड कर रहे हैं, बाइक राइड कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपके पास पानी बोतल वगैरह सारा कुछ हो। हम लोग तो अब तक 3-4 लीटर पानी पी चुके हैं, इतनी गर्मी है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का कि हमेशा वाटर बॉटल वगैरह आपके पास हमेशा होनी चाहिए, ताकि आप हाइड्रेटेड रहे। नहीं तो इस गर्मी में बाइक राइड में हालत ख़राब हो जाएगी आपकी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। घाट ख़त्म ही हो गया है, तो भाई लोग अपन सोच रहे हैं कि अभी वीडियो ख़त्म कर देते हैं, आखिरी 1-2 मिनट चलने देते हैं थोड़ा, उसके बाद बन भी कर देंगे। जैसे ये व्यू तो बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, एक घंटा मज़ा आता है, मज़ा आ गया यार आज। एक घंटा पूरा एकदम ऐसा वसूल है यार मार्केट घाट से। हाँ घाट खत्म हो गया है। तो चलिए दोस्तों अपना वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में। तो बहुत व्लॉग बना कर रखे हैं, बहुत व्लॉग।